उनके प्रश्नों का ठीक उत्तर देना, उसको समझाना, उसके लिए संवाद, आत्मीयता, ये सब आवश्यक है। ऐसा संस्कार हमारे घर में होता है क्या? कुटुंब प्रबोधन का काम सरकार के लिए क्यों रखना? अपने घर का काम आज से आप शुरू कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तय करो घर वालों से बात करके। जो दिन आपके घर में ज्यादा अच्छा माना जाता है, सब लोग सुविधा से एक जगह आ सकते हैं, ऐसा दिन चुनो। उस दिन रात के भोजन के पहले सबने एकत्रित आना, अपने घर में जैसी श्रद्धा है वैसा भजन करना, एकत्रित भोजन करना, और उसके बाद बैठकर गपशप करना। क्रिकेट, सिनेमा और राजनीति, तीन विषयों को गपशप के बाहर रखना। बाकी बातों की चर्चा करना, अपने घर में क्या क्या हो रहा है, कैसा है, हमारे घर में अच्छे चित्र चाहिए तो चित्र कौन से है। कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे पूर्वजों की, अपने कुल के पूर्वजों ने क्या क्या अच्छे काम किए हम जानते हैं क्या? महापुरुषों की कथा और छोड़, अपने पूर्वजों में 7 पीढ़ी पहले 8 पीढ़ी पहले अच्छे काम किए होंगे, दान दिया होगा, कुछ देश के लिए कुछ काम किया होगा, जेल गए होंगे उसके लिए कुछ तो किया होगा अच्छा काम। कम से कम अपने घर परिवार को गरीबी से ऊपर उठाकर एक संपन्न परिवार बनाया होगा, इतना तो किया ही होगा। क्या उनका चलन अपने घर में बच्चों को हम बता नहीं सकते? अपने देश के स्थिति के बारे में बता नहीं सकते? अपने घर से देश का अभाव दूर करने का काम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अपना जितना धारा है घूमने फिरने का, उसमें अभाव ग्रस्त लोग नहीं है क्या? बहुत है। उनके अभाव को दूर करने के लिए कौन सा काम हम कर सकते हैं अपनी रुचि क्षमता के अनुसार? बहुत संगठन काम कर रहे हैं। यह विषय ऐसा नहीं अभाव दूर करने का कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। शिक्षा का अभाव, संस्कारों का अभाव, रोजगार का अभाव, विकास का अभाव दूर करने के लिए अनेक संगठन, व्यक्ति, संस्थाएं अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हम किसी एक में जुड़ सकते हैं जो अपने को अच्छा लगता हो, या हम अपनी प्रतिभा से कोई ऐसा काम आवश्यकता अनुसार शुरू कर सकते हैं। कम से कम अपने घर में, अपने घर के काम करने के लिए जो हम वैतनिक नौकर रखते हैं, काम वाले लोग रखते हैं, उनके परिवार का, उनके अपने अभाव का ध्यान तो हम रख सकते हैं। हम करना शुरू करें तो यह सब होगा। केवल सरकार प्रशासन पर छोड़ के नहीं होगा, ये काम समाज करे। ऐसी जागृति करने का काम जिनका है उनको भी सजग रहना पड़ेगा। हमारे देश में अनेक संस्थाएं सरकार और प्रशासन को छोड़ दिया तो भी जिन जिन बातों का सरकार विचार करती है, प्रशासन विचार करती है, उन बातों का भी विचार करने वाले अनेक संगठन हैं, अनेक संस्थाएं हैं, अनेक व्यक्ति भी है व्यक्तिगत कार्य करने वाले। उनका दायित्व समाज प्रबोधन का है, समाज की समस्याओं के परिष्कार में लगे हुए आंदोलन अभियान करने वाले संगठन है, उनका भी दायित्व है समाज प्रबोधन का। शासन प्रशासन और ऐसे सब व्यक्ति और संगठनों के बीच में एक संवाद की स्थिति आवश्यक है, क्योंकि शासन प्रशासन की नीतियों को समाज का समर्थन खड़ा करने का काम इन्हीं संगठनों के जागृति के माध्यम से होता है। और हम नीतियां तो चल रहे हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, अंतिम आदमी तक क्या पहुंच रहा है, इसका प्रतिभाव अगर शासन प्रशासन को चाहिए तो समाज में रहकर काम करने वाले ये व्यक्ति, संस्था, संगठन, उन्हीं का उपयोग होता है। समस्या है, सुनी नहीं जा रही, तब आंदोलन अभियान एक अलग बात है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन समाज प्रबोधन और शासन प्रशासन के साथ संवाद रखकर, और शासन प्रशासन भी अपने तरफ से इनके साथ संवाद रखे, तो ये प्रगति की गाड़ी ठीक चलेगी। ये हमको करना पड़ेगा, अपने समाज का अभाव दूर करना और अपने समाज का भेदभाव दूर करना,
संस्कारित समाज को खड़ा करना और राष्ट्र निर्माण के उद्यम में उसको खड़ा करना, ये हमको करना पड़ेगा। सामाजिक भेदभाव तो कोई सरकार या प्रशासन मन से हटा नहीं सकती, व्यवस्थाएं खड़ी कर सकती है, लेकिन जब तक मन से जाता नहीं तब तक व्यवस्थाओं का उपयोग नहीं है। मन से भेदभाव हटाने का काम केवल समाज कर सकता है। हम अपने मन से प्रारंभ करें। जाति पाति पंथ संप्रदाय भाषा प्रांत मत पक्ष, इन सब भेदों को मैं अपने मन से निकाल दूंगा। प्रत्येक भारतवासी भारत माता का पुत्र मेरा अपना भाई है, ऐसे उससे मैं स्वयं व्यवहार करूंगा। मेरे मन में भी भावना नहीं आएगी भेद की। यही अपने घर में कीजिए, हमारे घर में। परंपरा से हो सकता है कुछ ऐसी कुरीतियां चलती होगी, अंधविश्वास चलते होंगे, सबको साफ करना पड़ेगा। और घर में भी सबके प्रति समानता के वातावरण, व्यवहार, मन वचन कर्म से प्रकट हो, इसको देखना पड़ेगा। अपने मित्रों में, परिचितों में, उनके घरों में यही हो, ऐसे संबंध रखने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी। मंदिर, स्मशान और पानी की जगह सब हिंदुओं के लिए एक होनी चाहिए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। कोई संघर्ष नहीं करना है, समाज को जोड़ने के लिए करना है। सबका मन बनाना पड़ेगा। मन बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, तो सातत्य से यह काम करना पड़ेगा, नम्रता से करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। भारतीय महापुरुषों को भी इन भेदों ने जाति पातियों में बांट दिया है। सब महापुरुषों के उत्सव, समाज के सब प्रकार के वर्गों के पर्व त्योहार उत्सव, सब हिंदुओं के उत्सव बने, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए, अपनी सहभागिता होनी चाहिए सर्वत्र। समाज के सब वर्गों के लोगों को सब ऐसे कार्यक्रमों में जाने को प्रेरित करना चाहिए। हम ये सारी बातें करेंगे तब 2000 वर्षों की आदत से अपने मन की आत्मीयता का दायरा जो संकुचित हो गया, हजार वर्षों की आक्रमण की अव्यवस्था ने उसको एक पक्की रूढ़ी का जो स्वरूप दिया है, और अपने स्वार्थ की भावना उसको जीवंत रखती है, उस दायरे का संकुचन प्रारंभ होगा। एक दिन वो दायरा या तो टूट जाएगा या तो विलीन हो जाएगा। लेकिन पहला पग हमको बढ़ाना पड़ेगा। आज सीमोल्लंघन का दिवस है। एक विशिष्ट प्रकार का सीमोल्लंघन आज से हम लोग प्रारंभ करें। सामाजिक समरसता का काम अपने से प्रारंभ करके करना, और संस्कार लोक का उपाय करने के लिए अपने कुटुंब के प्रबोधन से प्रारंभ करना, एक नए प्रकार का सीमोल्लंघन। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग करें, सब होगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मात्र शासन प्रशासन के प्रयास से देश का और विकास हुआ है, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं। समाज की गुणवत्ता है, समाज के सामने ये भव्य लक्ष्य है। समाज उस ध्येय के लिए उद्यम करता है तो शासन प्रशासन सहायक हुआ है, उसके करने का परिणाम हुआ है और देश का कायापलट हुआ है, ऐसा हुआ है। हमको यही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति में हम लोग आज हैं, उसकी जटिलता और गंभीरता जितनी है, दुनिया में जिस प्रकार के भारत खड़े होने की दुनिया की आवश्यकता है, और संपूर्ण देश में जिस प्रकार के भारत का सपना अपने अंतर्मन में रखकर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए समाज के इस प्रकार गुणवान संगठित होकर उद्यम करने के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। हमारे पास दर्शन है, विचार है, दुनिया के आज की सारी समस्याओं का इलाज है, परंतु उस आचरण को अपने रोज के आचरण में उतारने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा।
अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए उन मूल्यों के आधार पर अपने देश के उन्नति का अपना पथ तैयार करने की इच्छा आज के अपने देश के कर्णधारों में और उनके द्वारा उनके प्रशासन में है, ऐसे संकेत मिल रहे। लेकिन मात्र उससे काम नहीं चलेगा, संपूर्ण समाज की ये इच्छा बननी चाहिए, संकल्प बनना चाहिए और उद्यम का विषय बनना चाहिए। तब संपूर्ण विश्व को संतुलित सुखी सर्वांग सुंदर जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र खड़ा हम कर सकते हैं। वो हमारी क्षमता है, हमारे पास विचार है। उद्यम की आवश्यकता है, उसके लिए संगठन की आवश्यकता है, उसके लिए गुण संपदा की आवश्यकता है। ये करना ही पड़ता है। विजयादशमी आज का विजय पर्व है। 9 दिन सामूहिक शक्ति की उपासना देवों ने की नवरात्रि में, तो सारे समाज को राष्ट्र को एकीकृत करने वाली जो दावा करती है वेदों में अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ऐसी वो संगठन की समाज के सामूहिक गुणसंपन्न उद्यम की शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने सब संकटों का असुरों का संहार किया और 9 दिन के उद्यम के कारण 10वें दिन पर विजय प्राप्त हुई। सारे समाज को ऐसा खड़ा करना पड़ेगा, तब काल सुसंगत व्यवस्थाएं बनेंगी। आज की व्यवस्था में जो परिवर्तन आवश्यक है बनेंगे, उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। गत अनेक वर्षों से, अब 9वां दशक अगले वर्ष पूरा होगा, संघ यही काम कर रहा है। स्वयं सेवकों के सामने परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम का भव्य लक्ष्य रखता है। उस लक्ष्य को पूरा करने की योग्यता प्राप्त करने की रोज की तपस्या वो शाखा द्वारा करवाता है। और ऐसे स्वयं सेवकों के तैयार होने के बाद संपूर्ण समाज को साथ लेकर उनके उद्यम से जो कार्य हुए हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। अपने संस्कृति का सर्वसमावेशक जो मूल्य है, जो विविधता में एकता को मानता है, जो सबका स्वीकार करता है, जो किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, केवल दुर्गुण और अहंकार और कलह छोड़ने के लिए कहता है, सारी दुनिया को आज उसकी आवश्यकता है। अपने देश की विविधताओं में एकता का सूत्र वही है। वह सर्वसमावेशक, उदार, सर्व कल्याणकारी, ऐसा वह तत्व ही हमारे देश की पहचान है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। इस हिंदुत्व के गौरव के आधार पर संपूर्ण समाज को अपने आत्मीयता के बंधन में बांधकर संगठित सूत्र में खड़ा करते हुए, गुण संपन्न बनाकर खड़ा करते हुए देश को परम वैभव संपन्न बनाने का ही अभियान है। और बहुत करना बाकी है। इस देश के गांव गांव में, गली गली में, कोने कोने में संघ कार्यों को करने वाली शाखा को पहुंचाना होगा, तभी देश खड़ा होगा। तब हम देश के बारे में, जैसा एक कवि ने कहा है, कह सकेंगे, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को उद्धारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान अपने उद्यम से खड़ा करना, अपने आंखों से देखे और सारी दुनिया से ये धन्यकार, ये जय जयकार हिंदुस्तान की सुने, इसलिए यह महाभियान चला है। इस महाभियान के प्रत्यक्ष सहयोगी बनने का आह्वान करता हुआ इस विजयादशमी के उत्सव पर मेरा ये निवेदन मैं धन्यवाद पूर्वक समाप्त करता हूं। सावधान, उत्तिष्ठ, आरव। एकात्मता मंत्र। यम वैदिका मंत्र दृश पुराणा, इंद्र
इंद्रम यमम मातरिश्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यम वैष्णवा विष्णुरुतिस्तुवन्ति बुद्धस्ततारन्निति बौद्ध जैनः सच्छ्रीयकालेति च सिक्ख संतः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः दक्ष ध्वज प्रणाम एक दो तीन सरसंघ चालक मोहन भागवत को इस वक्त आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि देश के को सिरमौर बनाने के लिए तमाम देशवासियों से कहा गया है कि अपने कर्तव्य का देशवासी पालन करें, अपने अपने घरों से ये काम लोग शुरू करें तो भेदभाव को मन से दूर करने की इस वक्त जरूरत है। इसी के साथ आतंकवाद को खत्म करने पर भी यहाँ जोर दिया गया। खासतौर पर पशुओं के मांस का जो व्यापार चल रहा है उसे बंद करने की बात की गई। गौ संरक्षण की बात मोहन भागवत के संबोधन में मिली तो समाज के विचारों में जो परिवर्तन आया है उसे लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता जो है इस वक्त प्रकट की गई। और इसी के साथ चीन का बना माल लोगों से ना खरीदने का भी आह्वान किया गया। तमाम वो चीजें थी जो मोहन भागवत के भाषण में इस वक्त हम सुन रहे थे और ये तमाम वो अहम चीजें थी जो देश को बदलने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। तो आपको बता दें इन तमाम चीजों को उनके भाषण में रखा गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सफाई अभियान जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है उसका आह्वान भी यहाँ पर लोगों के साथ किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के बाद देश को आगे ले जाया जा सके, देश से इस तरह की कुरीतियों को दूर किया जा सके। चलिए हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर एसके सिंह भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर एसके सिंह जी आपके पास आना चाहती हूं। अभी आपने मोहन भागवत को सुना पूरा, उन्होंने तमाम चीजों को रखा, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं इस पर। देखिए अंजलि जी, मैं बताऊं कि ये एक ऐसा आह्वान मंत्र इन्होंने दिया, एक ऐसा अमोघ मंत्र देश को दिया जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती थी और शायद मैंने इतना ऊर्जापूर्ण भाषण अपनी जिंदगी में नहीं सुना जी। एक संघ प्रचारक और आप समझे कि इतना बड़ा भाषण उनकी एक विलक्षण प्रतिभा को दर्शाता है। आप हम देख रहे थे और एक एक लाइन पर एक एक शब्द पर मैं गौर कर रहा था। हमने देखा कि उन्होंने शुरू किया कि क्या क्या समस्याएं विश्व के सामने हैं और उस समस्याओं को दूर करने के लिए मानव धर्म को अपनाना सबसे जरूरी है। महर्षि अरविंदो ने कहा था कि कैसे भारत आध्यात्मिक गुरु बन सकता है और भारत में वो विलक्षण प्रतिभा है। माननीय मोहन भागवत जी ने आज यही चीज कहा, इस चीज पर बल दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम विश्व को नया मंत्र दे सकते हैं और विश्व में मानवता का एक संचरण कर सकते हैं। उसके लिए हमको भी जो समाज में व्याप्त तनाव है, जिस प्रकार के समाज में जिस प्रकार की स्थिति आ गई है, जो विरोधाभास समाज में हो गया है, उनको आत्मसात करते हुए हमें नई चीजों का सृजन करना है। हमारे समाज में देखिए कई तरह की बातें रही है, विडंबनात्मक स्थिति रही है। हम देखिए अनेकता में एकता की बात करेंगे, विचार में वैचारिक, देखिए वैचारिक जो भी मतभेद हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कार्य की बात है उस कार्य को हम आगे ले चले और देश की एकता और अखंडता की बात करें। उन्होंने सुरक्षा और समृद्धि
जो कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, कहीं ना कहीं वहां पर इन्होंने एक बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुरक्षा और समृद्धि दोनों हमें लाना है देश में। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं वो हत्या पर जो उनकी बात हुई कि इसे रोकना चाहिए, इतना ही नहीं जो पड़ोस से घुसपैठिए हैं और जिसके कारण यहां पर डेमोग्राफिक अल्टरेशन हो रहा है, और इतना ही नहीं जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहे हैं हमारे समाज में इन चीजों को लेकर, उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, यह कहा कि हमें आज क्या करना है, लोगों को अपने अधिकार की तो रक्षा करनी चाहिए लेकिन उनके कर्तव्य क्या हैं, उनका कर्तव्य बोध कराया माननीय भागवत जी ने। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इसमें कहा कि भारत के पास में सब कुछ है, भारत आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, भारत देश के सामने ही नहीं अपने समाज के सामने अपने विश्व के सामने एक बड़े ही महत्वपूर्ण लक्ष्य को रख सकता है और उसे पूरा करने का सार्थक प्रयास कर सकता है। हम समाज से शुरू करें, हम अपने परिवार से शुरू करें। उन्होंने यह बताया कि स्व से निकलकर, स्व की गुफा में जो हम छुपे हुए हैं वहां से निकलकर हम समाज सम्मत बने, समाज से ऊपर बढ़कर हम देश सम्मत बने, देश से ऊपर बढ़कर हम विश्व सम्मत बने, इसकी शिक्षा उन्होंने दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमें चरित्र निर्माण की जरूरत है और खास करके जो विध्वंस हमारे समाज में है उसको दूर किया जाए। आतंकवाद के मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से दमन का कुचक्र चला है और उसके कारण आतंकवाद पनपे हैं, उस आतंकवाद को खत्म हम करते भी हैं और आज विश्व समुदाय एक साथ आता भी है तो क्या गारंटी है कि इसके बाद आतंकवाद फिर से अपना सर नहीं उठाए। तो इसलिए एक निश्चित सोच और एक सामाजिक समरसता के साथ इस ये जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं उसको दूर करने की जरूरत है। हम आज जीडीपी की बात करते हैं, सारे चीजों की बात करते हैं, आर्थिक उन्नति हमारे देश की कैसे हो, और समाज में सबसे लास्ट व्यक्ति जो है, उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा सबसे अंतिम व्यक्ति, उसके सुधार का, उसके विकास का लक्ष्य जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं हमारा समाज उन्नत नहीं हो सकता, विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकता। और इसमें हमें आज जिस प्रकार से हमारे युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आजकल जो विदेशी मीडिया या इस तरह के कई साइट्स हैं उसके प्रभाव में आ रहे हैं और उनमें चारित्रिक हनन हो रहा है, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर उसको दूर करना चाहिए। हम ज्ञान लें, हम विश्व के अनेक देशों से ज्ञान लें, लेकिन उस ज्ञान का संपूर्ण उपयोग होना चाहिए और वो देश के, राष्ट्र के नव निर्माण में कार्य में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा और यह बड़ी ही सराहनीय बात थी कि किस प्रकार से केवल शासन और प्रशासन से देश उत्तम और देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत नहीं हो सकता, इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। तमिलनाडु और केरला का उदाहरण दिया, संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी हत्या की गई और वहां के प्रशासन और वहां के शासन उस पर कार्रवाई नहीं किया और जितना आशा की जाती थी वहां नहीं, कहीं ना कहीं वह मनुष्यता की भावना रही, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि सरकार का भी एक उद्देश्य है। अगर हम भाषण की बात करें मोहन भागवत जी के, तो एक संगठित भाषण उनका यहाँ पर देखने को मिला, तमाम उन पहलुओं पर बात की गई जो इस वक्त देश के लिए समस्या बने हुए हैं, उनके समाधान भी दिए गए। बंसल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मोहन भागवत को अभी हम सुन रहे थे, एक गंभीरता उनके भाषण में कहीं ना कहीं झलकी है, वो तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, तो एक सरसंघ चालक की जो भूमिका होती है संघ के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसकी गंभीरता इस वक्त यहां झलक रही थी। देखिए, उन्होंने जहां पर्यावरण, सुरक्षा, विदेशी घुसपैठ, आतंकवाद, मांस निर्यात और गौरक्षा जैसे मुद्दे उठाए, तो वहीं उन्होंने समाज को झकझोरने वाली बात कि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ये एक मंत्र दिया कि ये भारत जो है ज्ञान, दान और रक्षण के इस बल पर पूरे विश्व के अंदर जो ख्याति प्राप्त पहले से रहा है आज भी है, और विश्व के अंदर प्रत्येक भारतवासी चाहे विश्व के किसी भी कोने में है, जब तक संगठित, सुरक्षित और संस्कारित नहीं रहेगा तब तक वो भारत की जो प्रतिभा है वो आकर दर्शन नहीं करा सकेगा। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने कहा स्वदेशी का आचरण, शासन पर निर्भरता ये खत्म करनी पड़ेगी और स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। उनकी बात ये बड़ी महत्वपूर्ण थी कि आत्मवत सर्वभूतेषु मातृपूर्ण संस्था। देखिए, माता का जो व्यवहार है, माता के प्रति जो प्रत्येक महिला को मातृवत मानना और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मवत मानना, ये बहुत बड़ी बात है। परिवार प्रबोधन की जो बात कही उन्होंने कि हम संस्कारों की बातें तो बहुत करते हैं और समाज से और राष्ट्र से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन अपने परिवार को भूल जाते हैं।
कि भी परिवार में कम से कम एक नियत समय पर कोई एक समय होना चाहिए, सप्ताह में एक बार कैसे भी करके हम बैठ करके भोजन करें, सामूहिक भोज करें और समाज की परिस्थितियों पर चर्चा करें, परिवार की परिस्थिति में चर्चा करें, कुटुंब के बारे में बताएं। अपने बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम किस गोत्र के हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, उनके पराक्रम क्या था और उनका पराक्रमशाली इतिहास क्या था। जब तक उनको अपना नहीं पता होगा तो दूसरों के बारे में कैसे जान करेंगे। एक बात, इसके अलावा शिक्षा, संस्कार, रोजगार, सामाजिक समरसता और भारत को परम वैभव तक पहुंचाने तक की बातें उन्होंने कही। आज इस छोटे से प्रबोधन में उन्होंने पूरे विश्व को झकझोर दिया। वाकई उनके जो संबोधन आज ये देखने को मिला वो विश्व को झकझोर देने वाला था। चलिए, आप सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी आह्वान के साथ कि जो आह्वान यहाँ पर मोहन भागवत ने किया वो जन जन तक पहुंचे और देश की बदली हुई तस्वीर दुनिया के सामने हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। RG Group presents RG Residency, first landscape podium concept in Noida. No traffic, no pollution, no noise. Watch your kids play safe 10 feet above the ground. Intelligently designed, spacious living. Give your lifestyle a luxurious high. RG Residency, Noida. Green by the country, erogenous form, Demly has. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. RG Luxury Homes. Discover first landscape podium concept in Greater Noida West. 10 feet high podium with central greens. Four side open spacious living flats. Dedicated kids play area. Teenager sports gallery, 1 acre forest with lush green landscape surroundings, world class clubhouse. Give your lifestyle a luxurious high. RG Luxury Homes. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. RG Group presents RG Residency, first landscape podium concept in Noida. No traffic, no pollution, no noise. Watch your kids play safe 10 feet above the ground. Intelligently designed, spacious living. Give your lifestyle a luxurious high. RG Residency, Noida. आइए गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और एक स्वच्छ भारत की रचना करें। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सत्य की असत्य पर विजय के पर्व विजय दशमी की सुदर्शन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बच गया चुनावी बिगुल, हो गया सियासी शंखना, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में कामयाब हो पाएंगे मोदी या खोई जमीन वापस हासिल कर लेगी कांग्रेस? महाराष्ट्र का महासंग्राम, हरियाणा का रण, देखिए हर शाम 5 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
आप सभी को सुदर्शन परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मां आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।